नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सियन तिवारी और आपका स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा काफ़ी लोगों को लग रहा था कि यूपीएससी क्या सीडीएस का एग्ज़ाम करवाएगी या नहीं करवाएगी या पोस्टपोन्ड हो जाएगा कोविड की वजह से, तो आप सबके लिए खुशखबरी है क्योंकि सीडीएस 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है यूपीएससी के द्वारा और इसकी रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं 4 अगस्त से ही और इसकी लास्ट डेट है 24 अगस्त 2021। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, एज लिमिट है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये यूपीएससी द्वारा पीडीएफ जारी कर दिया गया है डेटेड 4 अगस्त 2021 को ही। एक बात और दोस्तों, इस बार इस नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन सेंटर्स बहुत बढ़ा दिए गए हैं ताकि बच्चों को दूर दूर ट्रेवल ना करना पड़े। तो जैसा कि दोस्तों, इसका लास्ट डेट है 24 अगस्त 2021, तो आप ये जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे फॉर्म भरा जाता है क्योंकि लास्ट टाइम में वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती हैं और भी बहुत इश्यूज हो जाते हैं, इस वजह से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। तो इसकी लास्ट डेट तो आपको पता ही हो गई है कि 24 अगस्त 2021 है। अब हम दोस्तों इसमें देखेंगे कि हमें सबसे पहले अप्लाई कैसे करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए हमें यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाना होगा। इसके अलावा और कोई भी मीडियम अलाउड नहीं है अप्लाई करने के लिए। जल्दी से जल्दी इस पर फिल कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। इसका लास्ट डेट है 24 अगस्त 2021 6 PM तक, रात के 12 बजे तक नहीं, सिर्फ 6 शाम के 6 बजे तक ही होगा। और इसको विड्रॉ कर सकते हैं 31 अगस्त तक शाम 6 बजे तक। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होगी कैंडिडेट्स की, ये सब देख लीजिएगा। और 3 वीक पहले, एग्ज़ाम के 3 वीक पहले ही ई एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा वेबसाइट पर। जो एडमिट एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है आपको, क्योंकि एप्लीकेंट जो भी फॉर्म ये भरेगा उसको लेके जाना पड़ेगा, तभी पेपर देने को मिलेगा। तो और यहाँ पे सबसे खास बात, जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो ये ध्यान रखिएगा पेपर देते हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यहाँ पे हर मार्क्स, हर गलत आंसर पे नेगेटिव मार्क्स काटे जाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, इसलिए आप ध्यान से करिएगा। और हाँ, सिर्फ ब्लैक बॉल पेन ही यूज़ करना है इस पूरे पेपर में, और कोई भी पेन नहीं, और वो भी कोई भी पेन नहीं हो, और कोई पेन नहीं चलेगा। अब मोबाइल फोन्स वगैरह तो बैंड ही है वहाँ पे, और जैमर तो लगा ही रहता है, इसकी कोई बात नहीं है। और इसमें नोटिफिकेशन में दिया है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट upsconline.nic.in ओनली, क्योंकि कोई और मोड अलाउ नहीं है एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इस बार वैकेंसीज थोड़ी बहुत बढ़ी हैं। CDS सेकेंड 2021 में IMA के लिए, IMA देहरादून के लिए 100 वैकेंसीज हैं, जिसमें NCC सी सर्टिफिकेट जो रिजर्व्ड हैं उनके लिए 13 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं, और INA के लिए 22 वैकेंसीज हैं, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के लिए 32 वैकेंसीज हैं। INA में भी कुछ नेवल विंग थ्रू NCC स्पेशल एंट्री होल्ड करती हैं, 3 वैकेंसीज हैं इसके लिए रिजर्व की गई हुई हैं सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। और ओटीए चेन्नई मद्रास में 169 सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं। और ओटीए गर्ल्स के लिए, वुमेन एंट्री के लिए भी 16 हैं, जो पहले से 2 सीटें बढ़ा दी गई हैं। अब जान लेते हैं कि ये ओटीए के थ्रू होगा
वुमेन कैंडिडेट सिर्फ ओटीए में ही एलिजिबल हैं और ये उनकी फर्स्ट और वनली प्रेफरेंस होगी, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है ओटीए के, तो आप पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं या फिर सबसे लास्ट में। अगर ओटीए को पहला प्रेफरेंस देते हैं तो और सब में 0-0-0 कर दीजिएगा, और ओटीए को अगर लास्ट प्रेफरेंस देते हैं तो ये फोर्थ ही रहेगा। तो अब और ऐसे नीचे चलते हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे इसमें। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या सेंटर्स हैं, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने काफ़ी सेंटर्स बढ़ा दिए हैं, जैसे कि आगरा हो गया और लखनऊ हो गया, जम्मू हो गया, कोहिमा, कोलकाता, चेन्नई, गया, रांची, पोर्ट ब्लेयर तक के लिए भी इसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं। वाराणसी, श्रीनगर, अलीगढ़, आगरा, ये सभी हैं एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चों को बहुत दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, इसलिए काफ़ी सेंटर्स बढ़ा दिए गए हैं। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी की क्या क्या कंडीशंस है। उसकी नेशनैलिटी होनी चाहिए इंडिया, या फिर ये अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल होना चाहिए, और वो मस्ट बी अनमैरिड हो, उसकी शादी ना हुई हो, और इसके लिए और चीज़ें नीचे चलते जाएंगे, और चीज़ें पढ़ते हैं। कुछ का अगर मेल डाइवोर्स ये है, वो विडोवर है, तो वो भी इसको ट्रीट किया जाएगा एज अनमैरिड, अनमैरिड नहीं ट्रीट किया जाएगा, वो कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अनमैरिड। अगर वो डाइवोर्स हो गया है, विडोर हो गया है, तो भी यही सब एलिजिबिलिटी हैं। अब देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। IMA और OTA चेन्नई के लिए कोई डिग्री कोई भी हो और इक्विवेलेंट हो ग्रेजुएशन के, और INA के लिए डिग्री इंजीनियरिंग हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एयरफोर्स एकेडमी के लिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हो, और 10+2 लेवल में मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं अभी फाइनल ईयर में या सेमेस्टर में डिग्री कोर्स के, तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अब इसके लिए फ़ीस क्या क्या है देख लेते हैं। फीस 200 रुपीज़ हैं जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए, और फीमेल SC ST के लिए भी कोई भी फीस नहीं है, उनको एग्जेम्प्टेड किया गया है, उनको 0 फीस देनी है। अब इसमें सर्टिफिकेट लगेगा उनके कास्ट का, क्योंकि इनको बस रिजर्वेशन इसमें है नहीं, तो बस एग्जाम करने के लिए, फीस से एग्जाम करने के लिए ही सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे। और इसको आप बाय किसी भी ब्रांच में, SBI के ब्रांच से जमा कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से सबमिट कर सकते हैं, या वीज़ा, रुपए और डेबिट कार्ड और मास्टर कार्ड, इन सब के थ्रू भी आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कैसे अप्लाई करना होगा, कि आप तो जानते ही हैं कि वेबसाइट upsconline.nic.in के थ्रू आपको सबमिट करना होगा। अब जैसा भी, और आपको सबसे खास बात यह कि जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको लूज़ नहीं होने देना, उसको खोने नहीं देना है, ठीक है? नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वरना वैसे तो आप फॉरगॉट कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं, लेकिन आसानी यही होगी कि आपको रजिस्ट्रेशन के नंबर जो है नहीं लूज होना है या कुछ होने देना है। और इसकी लास्ट डेट है, यही जानते हैं, 24 अगस्त लास्ट डेट है, तो उससे पहले से पहले फिल कर लीजिएगा। और इसके क्या क्या हैं देख लेते हैं, और भी क्या क्या इम्पोर्टेंट है इस नोटिफिकेशन में। इसकी जैसा कि ये लास्ट डेट है, इसमें दिया हुआ है 24 अगस्त 2021 6 बजे तक शाम को,
और अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो भी 31 अगस्त दिए हुए लास्ट डेट। सो ऐसे ये कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और हाँ, इसके थ्रू ऑनलाइन पेपर, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद आपका 5 डेज़ का SSB होगा। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 5 डे SSB होगा, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, जैसे कि भोपाल में, इलाहाबाद में, बैंगलोर में, कई भी बहुत सारे SSB सेंटर हैं, तो आप कहीं भी जाके इन सब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी। तो उसके बाद आपको जुलाई 2022 के कोर्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा। तो आज के लिए यहीं, आज यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको ऑल द बेस्ट, फॉर्म फिलअप करिएगा और अच्छे से जम के तैयारी करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।